दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड और रुपे कार्ड। आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, सुना होगा, तो हम जानेंगे असल में इनमें डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों फ़र्क होता है इनमें ये, मान लो आपका अकाउंट है HDFC में और जिसको आपको पेमेंट करनी है, किसी से आपने कुछ शॉपिंग की है उसको पेमेंट करनी है, उसका बैंक अकाउंट है पंजाब में या SBI में, तो उनके अकाउंट में तो डायरेक्ट पैसे जाने से रहे, तो हमें पहले क्या करना होता था, ATM जाते थे, कैश विड्रॉ करते थे, फिर शॉपिंग करते थे, फिर जिसको पेमेंट करनी होती थी उसको पेमेंट करते थे, या बैंक जाके बैंक से ट्रांसफ़र करते थे डायरेक्ट उनके अकाउंट में, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हुआ करता था। तो इस दिक्कत को ख़त्म करने के लिए बिचौलिया कंपनी आ गई, तो इन्होंने सब बैंक से, दुनिया भर के मोस्टली सारे बैंकों से इन्होंने टाइप कर लिया, तो हमारे बैंक भी फिर हमें मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड प्रोवाइड करने लग गए। बैंक से हमारी डिटेल्स ले ली, सारी डिटेल्स, और हम जैसे अब शॉपिंग करते हैं, अब चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो या किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, तो हम पैसे ट्रांसफ़र फ़ौरन कर देते हैं, तो ये यही काम करती हैं। अब ये कंपनी अब हमारे अकाउंट से पैसे निकाल के उसको थर्ड प्लेटफॉर्म पे पेमेंट कर देती हैं फ़ौरन। अब हमें ATM जाने की ज़रूरत नहीं, बैंक ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं भी जाने की, फ़ौरन अब ट्रांसफ़र हो जाता है। ये बिचौलियाँ हैं, हमारे बैंक से पैसे निकालती हैं वीज़ा कार्ड मास्टर कंपनी और उस थर्ड पर्सन को पेमेंट कर देती हैं। बीच में ये हमसे भी चार्ज काटती हैं और बैंक से भी चार्ज काटती हैं, ये इनका काम है। और ये दुनिया भर में हर कहीं अवेलेबल हैं कंपनी ये वाली, और ये सिर्फ डेबिट कार्ड नहीं बल्कि क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, ये मोस्टली कैटेगरी के कार्ड प्रोवाइड करती हैं। तो हमारी कंट्री ने क्या किया, हमारी सारी बैंक डिटेल्स बाहर ना जाएं और देश का पैसा भी बाहर ना जाए, क्योंकि चार्ज काटती हैं बैंक से भी, हमसे भी, तो बाहर की कंपनी है ये, तो बाहर ना जाए। तो NPCI ने क्या किया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 2012 में अपना पेमेंट मेथड लॉन्च कर दिया, जिसको हम कहते हैं रुपे कार्ड। आपने बहुत सुना होगा रुपे कार्ड। और रुपे कार्ड का चार्जेस वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड के मुकाबले बहुत कम रखा गया है। बट रुपे कार्ड का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि ये वर्ल्ड वाइड नहीं है अभी, ये बस डोमेस्टिक हमारे इंडिया में ही, और एक UAE में और ऑस्ट्रेलिया में, दो तीन कंट्री हैं जिसमें ये भी प्रोवाइड हमें करता है। इसमें बताने का मकसद ये है कि दोस्तों आपका पेमेंट करने का ज़्यादा बाहर का रहता है, आउट ऑफ कंट्री या ऐसे प्लेटफॉर्म में जो बाहर की कंपनियां हैं, जैसे नेटफ्लिक्स है, ये सारे हैं, तो आपको वीज़ा या मास्टर कार्ड की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। लेकिन अगर आप बाहर का कहीं भी पेमेंट करने के लिए आपको ज़रूरत ही नहीं है, बस आप अपने ही देश में सारी पेमेंट्स करते हैं, अपने ही देश की वेबसाइट्स पे, शॉपिंग्स में, शॉपिंग मॉल में, तो आपको वीज़ा और कार्ड, मास्टर कार्ड लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप रुपे कार्ड लें, उससे आपके सारे नीड्स पूरी हो जाएंगी। तो दोस्तों इसमें बताने का मकसद यही था कि वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड जो हैं ये बिचौलियाँ हैं, बस हमसे और हमारे बैंक के बीच में एक इनका कनेक्शन है, ये हमारे बैंक से पैसे निकालती हैं, कट करती हैं और उसको थर्ड पर्सन को पहुंचा देती हैं, बस हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, और इस चीज़ का ये चार्जेस काटती हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।